गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। सो होटल से चेकआउट कर लिया मैंने। एक्चुअली कल रात को 7 या 7:30 बजे के आसपास मेरे कोविड की रिपोर्ट आई। सो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया रात को, इसलिए सो मैंने कुछ वीडियो बनाई नहीं है। सो अभी हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, देन उसके बाद हम जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे थाईलैंड के क्रेजी मार्केट्स को। सो लेट्स गो। जस्ट मैंने करेंसी एक्सचेंज करवा लिया है मेरा। मैंने जो ऑनलाइन रिव्यू चेक कर रहे थे, तो ऑनलाइन रिव्यूज में आई थिंक 2-3 शॉप दिखाए थे जहाँ पे ज़रा चीप में रेट बताए गए थे कमेंट में, लेकिन मैंने 2-3 जगह चेक किया तो एक शॉप मिला जहाँ पे मुझे थोड़ा कम एक्सचेंज में मिला। ट्रैवल एक्सपी कुछ नाम से था। सो वहाँ पे मुझे अच्छा रेट मिला, बाकी जो ऑनलाइन जो दिखाए गए थे उनका रेट इतना अच्छा नहीं था। सो आप 2-3 बार एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अगर करेंसी एक्सचेंज करने वाले हो तो थाईलैंड में। सो अभी एक रेस्टोरेंट में आया हूँ छोटे से। सो एक्चुअली इनके पास कोई वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं था, सो मैंने उनको जनरली बोला है फ्राइड राइस और उनका एक वेजिटेबल का कुछ सब्जी काइंड ऑफ आता है, तो फ्राइड राइस और मैंने वो ऑर्डर किया विदाउट चिकन एग्स और वो सब निकालने बोला है, क्योंकि उनके पास वेजिटेरियन में खाली कुछ ऑप्शन नहीं था। सो लेट्स सी कैसा रहता है। थोड़ा मुश्किल है वेजिटेरियन लोगों का हर जगह। कल मैंने स्टीम राइस खाया था, वो मिला नहीं यहाँ पे आसपास मुझे कहीं, तो ठीक है अभी जो है वो खा लेते हैं और निकलते हैं। ऐसा कुछ लंच दिख रहा है हमारा, काफ़ी प्लेन एंड सिंपल है बट इट्स फाइन। मैं ज़्यादा भागना नहीं चाहता था और मेरा खाने के बारे में ज़्यादा नखरे होते नहीं है। सो यहाँ से खाना खाएंगे और फिर यहीं से हम जाएंगे ट्रेन मार्केट एक्सप्लोर करने, जो कि आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम की वीडियोज़ में सब में देखा होगा। सो मैं अपना खाना ख़त्म करता हूँ, देन उसके बाद मिलता हूँ। इज देयर एनी ट्रेन फॉर मैकलोंग रेलवे स्टेशन? मैकलोंग रेलवे स्टेशन, मैकलोंग रेलवे स्टेशन, मैकलोंग? या नो, फ्रॉम वेयर? मैकलोंग। नो मैकलोंग, ओके। सो जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे जाने के लिए ऑलमोस्ट अगर आप गूगल मैप पर सर्च करोगे ना तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाएगा। सो थोड़े मैंने रिसर्च किया ऑनलाइन। सो आपको विक्टोरिया स्टेशन आना पड़ेगा। विक्टोरिया स्टेशन एक कम्प्लीट सर्कल है, ये पीछे की तरफ देख रहे हैं आप, ये एक सर्कल है कम्प्लीट वहाँ से। तो वहाँ से बहुत सारी बैंकॉक के बाहर जाने वाली आपको बसेस मिल जाएंगी, जो मिनी बसेस होती है इसकी तरह छोटी सी। सो आप उनसे पूछ सकते हो एक बार। तो इसमें से बहुत सारी बस मैकलोंग भी जाती है, कुछ डायरेक्ट नहीं जाती, लेकिन आपको यही ऑप्शन है फिलहाल तो अगर आपको ट्रेन स्टेशन जाना है तो। क्योंकि गूगल पे जाओगे, जैसे जनरली हम ट्रैवल करते हैं गूगल पे जाके लोकेशन डालो दिन वो बहुत सारे ऑप्शन दिखा देता है, लेकिन यहाँ पे गूगल मैप कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। सो विक्टोरिया सेंटर तक आ जाइए, वहाँ से मिनी बस के लिए थोड़ी इंक्वायरी कीजिए कि मैकलोंग जाती है या नहीं, एंड देन वहाँ से आप मिनी बस जैसे ही फुल होगी, लाइक इंडिया जैसा है गाड़ी जैसे ही फुल होगी वैसे ही निकल जाएंगे। अभी बहुत लेट हो चुका है, आई डोंट नो मुझे देखने को मिलेगा या नहीं, बट लेट्स सी। सो पहुँच तो गए हो, देख रहे बाजू में ट्रेन का स्टेशन दिख रहा है एंड ये सारे स्टोर्स है। अभी थोड़ा अंदर जा रहा हूँ बस ट्रेन मिस ना हो जाए। मैंने ऑनलाइन चेक किया, लास्ट ट्रेन 5:40 के आसपास की है। सो अभी 5:30 हुए, सो मैं टाइम पे तो आ चुका हूँ, लेकिन ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं होता है, कभी लेट हो जाती है कभी
टाइम पे आ जाती है, सो ऐसे कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है। सो अभी तो बहुत बंद सा लग रहा है। तो दिस इज़ द ट्रेन ट्रैक और ये चालू ट्रैक है, ऐसा नहीं कि ट्रैक ट्रैक बंद है। और ये बहुत सारी शॉप्स है जो कि फिलहाल अभी लग रहा है बंद हो रही है। बस इतना दूर आया हूँ, एक तो कुछ चीज़ें समझने में टाइम लग गया, उसके चक्कर में बहुत टाइम चला गया। आई थिंक इट्स अरे यार सब कुछ क्लोज लग रहा है, मैं अकेला हूँ, खाली वॉक कर रहा हूँ, यहाँ से ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे। आई थिंक थोड़ा लेट हो गया आने में ऐसा लग रहा है मुझे। यार एक ट्रेन तो आ जाए, बस ट्रेन आ जाए। अभी लोकल से थोड़ी बात की है, आई होप, वो तो बोले ट्रेन आने वाली है, आई होप आ जाए। इतना मार के शांत क्यों लग रहा है, भीड़ बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग प्लेस रहती है लेकिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई है, ऐसा क्यों है, बट लेट्स सी। मैं तो ट्रेन देखने के लिए आया हूँ कैसी गुजरती है इस मार्केट से, वो देखेंगे तो आज का दिन सक्सेसफुल हो जाएगा, वरना बर्बाद है आज का दिन पूरा। लग काफ़ी अच्छा है, लास्ट ट्रेन है लेकिन देख पाऊंगा। अभी जस्ट ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है एंड लुक ट्रेन आ रही है, जस्ट गो। चलो So train is coming. दो मिनट की बात थी बस, बस इस दो मिनट के लिए मुझे यहाँ पे आना था क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखा था इसका, काफ़ी ज़्यादा, सो आना ही था। सो अब जो पीछे की तरफ ट्रेन देख रहे हैं वो वाली ट्रेन या वो बिल्कुल मार्केट के बीच में गुजरती है, और जब भी ट्रेन आती है मोस्टली सारे मार्केट्स अंदर की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे आने का सोचो तो थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि मेरा लक काफ़ी अच्छा था, 10 मिनट के डिफरेंस से मेरी ट्रेन बची है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास आया था और 5:40 या 5:45 को लास्ट ट्रेन थी जो कि अभी मेरे पीछे है। हाँ आप बैंकॉक से वन डे रिटर्न की ट्रिप भी कर सकते हो, मैं अभी बैंकॉक रिटर्न नहीं जाने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से अभी फुकेट के लिए बस पकड़ने वाला हूँ। ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो होती है, लाइक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है, सो बहुत से लोग जल्दी ट्रेन के सामने आके पिक्चर क्लिक करने के लिए भागम भाग करते हैं। मैं तो अकेला था, मेरे पिक्चर क्लिक करने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने बस अपने वीडियो शूट किए। सो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप आते हो तो यहाँ पे, ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है और डे बाय डे टूरिस्टिक हो रही है, लेकिन यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ कोई नहीं दिख रहा, आई थिंक कोविड की वजह से शायद, लेकिन अच्छी बात है, वैसे भी लोगों से मुझे परेशानी होती है। सो कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी सब बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, ये मार्केट से जो यहाँ तक खुल जाते हैं पूरे, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है एक्चुअली डे में। ये बिल्कुल, और ये जो सारे मार्केट्स दिख रहे हैं आप, ये साइड, ये साले एक्टिव मार्केट्स हैं, मतलब ट्रेन यहाँ से बीच में डेली 7 से 8 बार ट्रैवल करती है, एंड ये मार्केट डेली क्लोज और बंद, 7 से 8 बार खुले जाते हैं और 7 से 8 बार फिर से बंद किए जाते हैं। सो
हम सोचते थे इंडिया में ही ऐसी चीज़ होती है लाइक ट्रेन के बाजू में लोग रहना एंड ऑल। यहाँ पे एक एक्टिव मार्केट है जो बिल्कुल ट्रेन के बाजू में है। सो आपको एक्सपीरियंस करना बनता है। मैं 101% आपको सजेस्ट करूँगा। आ रहे हो बैंक थाईलैंड तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे आओ और एक इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है और काफ़ी अच्छी लगेगी आपको।